हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 है और ये दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए मैथ का ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से और ये सभी क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट के रूप में दिल्ली पुलिस के लिए ज़बरदस्त तरीके से इनका सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? देखिए, समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज बना लेंगे यहाँ पर हम। ये हमारा समचतुर्भुज हो गया जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है? देखिए, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। देखिए, ये छोटा विकर्ण हो गया 12 सेंटीमीटर, ये छोटा विकर्ण हो गया। तो अब मुझे यहां पर बड़ा विकर्ण का मान ज्ञात करना है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जब समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं तो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये वाला विकर्ण है यहाँ पर, ये वाला और ये वाला दो बराबर भागों में बट जाता है और ये दो बराबर भागों में बट जाता है। और ये जब एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अब इसमें बताया है कि छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है तो 6 ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और 6 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाली भुजा हो गई, अगर मैं लिखूँ ए ओ बी, ये वाली तो ए बी यहाँ पर एक कर्ण बनेगा इस समकोण त्रिभुज में, ये वाली भुजा कर्ण बनेगी 10 और ये यहाँ पर एक आधार हो जाएगी, ये लंब भुजा हो जाएगी। तो जैसे आपको पाइथागोरस थ्योरम में मालूम है कि जब कर्ण 10 है, एक भुजा 6 है, तो यह वाली भुजा 8 आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। 10 का वर्ग 100 में से 6 का वर्ग 36 घटाएंगे तो 64 बचेगा, 64 8 का वर्ग होता है। तो यहाँ से यहाँ लो भुजा 8 और ये भी 8 हो जाएगी तो बड़ा विकर्ण हो जाएगा 8 और 8 16। अब देखिए, बड़े विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, छोटे विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, तो ये वाले कॉन्सेप्ट से हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब हम इसको हल करेंगे, 1/2 पहला विकर्ण 12 है और दूसरा विकर्ण हमारा 16 है। अब इसको हम हल करेंगे, 2 6 12 16 6 96 वर्ग सेंटीमीटर हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है, ऑप्शन डी। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त और वेरी सिंपल मेथड से मैंने आपके सामने दिए गए क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जबरदस्त क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्प करेंगे और आने वाला एग्जाम जो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होगा तो उसमें आपको जबरदस्त तरीके से हेल्प करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन। तो तीन वस्तुओं को प्रति वस्तु, देखो तीन वस्तुओं में से प्रति वस्तु 200 रुपये के मूल्य में खरीदा गया। अब देखो, तीनों वस्तु कितने में खरीदी जाएगी? प्रति वस्तु 200 रुपये है तो तीनों वस्तु खरीदी जाएगी 600 रुपये में। अब उसमें से बोला है उनमें से एक को 12.5% की हानि पर बेच दिया। देखिए, पहली वस्तु 200 में खरीदी है, यानी कि प्रत्येक वस्तु 200 में खरीदी है, तो उसने पहली वस्तु को जो 200 में खरीदी थी उसको बेचा 12.5% हानि पर। तो 12.5% हानि होता है, आपको मालूम भी है, 1/8। तो 1/8 पर हम कह सकते हैं 8 में 1 की हानि हो गई, तो 7/8 में उसको बेचा है। तो इसका 7/8 विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, 8 से 25 बार काटा, 25 × 7 = 175 में बेचा है उसने, तो उसको हानि 25 रुपये की हो गई। यहाँ पर देखिए, 25 रुपये की हानि हो गई।
अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे चाहे ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा तरीका बताया जाएगा, 12.5% यानी कि 1/8 की हानि। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 1/8, तो कितने रुपए की हानि हो गई, 25 रुपये। तो 25 रुपये की हानि कह सकते हैं हमें हो गई। अब तीनों वस्तुओं जो हमने 600 में खरीदी थी उनमें से एक को 200 में खरीदा था और उसको बेचा 12.5 की हानि पर, इसका मतलब 25 रुपये की हानि पर उसको बेचा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से है क्वेश्चन। यदि अन्य दो वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया है जिससे पूरा सौदे में 20% का लाभ हो, पूरा सौदा हमारा 600 का खरीदा गया था और जब उसको बेचा 20 के लाभ पर, 6/5 हो गया 20 का लाभ, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 कह सकते हैं इसको, ऐसे भी हम कह सकते हैं इसको, इसमें लाभ आ जाएगा 120 रुपये का। तो 120 रुपये का लाभ आ गया। तो दो वस्तुओं पर होने वाला लाभ बताओ, दो वस्तुओं पर होने वाला लाभ। अब देखो दो वस्तु, प्रत्येक वस्तु 200 रुपये में खरीदी थी तो दोनों वस्तु टोटल हो गया उनका 400 रुपये। तो दोनों वस्तुओं पर होने वाला लाभ निकालना है 400 रुपये पर। अब हमें लाभ लेना है, देखिए 120 रुपये तो ये हमारे यहाँ पर लाभ के हैं और ये 25 रुपये की जो हानि हुई है इसको भी हमें इसी में जोड़कर लिखना होगा, तभी हमें लाभ प्राप्त होगा कि दोनों वस्तुओं पर होने वाला लाभ कितना परसेंट है। तो 120 में 25 जोड़ेंगे 145 और 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ पर लाभ परसेंट हमें मालूम हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त खतरनाक क्वेश्चन है ये, देख लीजिए 2 0 से 2 0 और 4 से काटा, 4 3 12, 2 हो गए 25, 4 6 24, 1 5 10, 4 2 8 और 4 5 20, तो ये हमारा लाभ परसेंट आ चुका है 36.25%, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्यूशन भी आपके सामने बेस्ट होगा। देखो बी की तुलना में ए 5 गुना कुशल है, देखो ए बी से 5 गुना कुशल है। अब यहाँ पर ये दोनों की इफिशेंसी आ गई, यहाँ पर इफिशेंसी लिख लेंगे यहाँ पर। अब जैसे इफिशेंसी को उल्टा करेंगे तो टाइम का रेशो आ जाएगा, यानी कि समय का रेशो आ जाएगा, ये 5 यहाँ पर लिखेंगे और 1 इधर लिखेंगे, तो अभी इनका समय का रेशो आ गया। अब कहा है कि ए एक कार्य को करने में 20 से 52 दिन कम लेता है, देखिए 52 दिन कम ले रहा है, इक्वल टू इक्वल करेंगे तो यहाँ ए जो है समय बी से कितना कम ले रहा है, 4 से मैं इसको काटूंगा 13 बार, एक रेशो की वैल्यू आ गई 13। पूछा है यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो दोनों एक साथ कार्य करते हैं, ए प्लस बी दोनों, तो दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो ऊपर दोनों की गुणा समय की 5 कम 5 और नीचे दोनों का जोड़ लिख लेंगे 6 और इसमें गुणा कर देंगे 13 की, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में करेंगे। चलिए 13 5 65 6, 6 2 60 10 5 5 6, यानी कि 10 से ही 5/6 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, 10 से ही 5/6 दिनों में दोनों मिलकर कार्य पूरा कर लेते हैं आंसर। देखिए बहुत आसानी से आंसर आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे, देखिए कोई छोटी से छोटी संख्या है इसको 12 से 21 से और 35 से अगर भाग दें तो शेष समान स्थिति में 2 बचता है, तो वह संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पर दी गई संख्या इसको अगर मैं 12 21 35 से भाग दूँ तो शेष 2 बचता है, तो यहाँ पर 12 21 35 का यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से हमें
वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसको भाग देने के बाद शेष उसमें दो बचता है। देखिए तो एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर इनका, 12 के टुकड़े करेंगे, 3 × 12 अभाज्य फैक्टर, 3 × 21 और 5 × 35। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 2 के रूप का 4 सबसे बड़ा, 3 के रूप का यहाँ पर 3, 5 और 7, 5 भी लेंगे 7 भी। अब हमारा एलसीएम आ गया 3 × 12 = 60 और 6 × 7 = 42, 420 420, यानी कि वह संख्या जो है हमारी 420, और इसमें भाग देने पर 2 शेष बचता है तो +2 जोड़ लेंगे, तो अब वह संख्या हो गई हमारी रियल में 422। तो वह संख्या थी 422, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सुपर बेस्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप सामने। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ, और इस क्वेश्चन को हम बहुत आसान बनाएंगे। 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ, यदि सभी मत वेद मत है, यदि विजेता को 156,200 मत मिले हैं, देखिए विजेता को 156,200 मत मिले हैं और यहां पर विजेता को मिले हैं रेशो के रूप में 10। अब मैं इसको इक्वल से इक्वल काटूंगा और कुल कितने मत डाले गए, कुल हो जाएंगे, यदि मैं इन सभी को जोड़ू कुल हो जाएंगे 13 रेशो में। तो यहाँ से मैं इसको हल करूँगा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से, तो यहाँ कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, 0 से 0 काटा, अब यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे 13 की 0 13 0 0 13 × 26 2 13 × 78 2 × 70 7 × 13 = 65 और 7 हो जाएगा, देखो 13 × 0 13 × 26 2 13 × 78 2 80 हासिल 8 13 × 65 65 और 8 73 हासिल 7 13 × 7 = 20। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है, बहुत ही जबरदस्त 2,03,060। तो 2,03,060 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी। तो देखिए फ्रेंड, आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आसानी से ही आपके सामने होगा। देखो 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया है, देखिए वर्गों का योगफल दिया है 2426 दो संख्याओं का, उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 7 है। अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल 7 है, तो वह संख्या है 49, तो वह संख्या है 49। और जैसे कि हमें वर्गों का योगफल है, यहाँ पर दूसरी संख्या मुझे यहाँ पर निकालनी है। अब इसने कहा दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसका वर्ग भी होगा और यहाँ पर ये सेकंड संख्या है इसका वर्ग भी होगा, दोनों के वर्गों का योग यह है, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट है। तो 49 का वर्ग निकालेंगे हम, कितना होता है 2401, अगर हम देखें 49 का वर्ग होता है 2401, तो ये 2401 इसमें जुड़ा हुआ है दोनों का वर्ग इसमें, तो 2401 इसमें से घटा देंगे, सेकंड संख्या का वर्ग हमें मालूम हो जाएगा, घटाएंगे 2401 तो घटने के बाद 25 बचेगा, तो 25 किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है, वर्ग से वर्ग कटा तो दूसरी संख्या आ गई हमारी 5, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 5, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका 5। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 इजी सॉल्यूशन किया जाएगा। ए ने 9,000 रुपये की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार ली, और उसने उसी धनराशि को 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए बी को उधार दे दिया, तो उसे इससे होने वाला लाभ बताए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए 9,000 रुपये उधार लाया और 9,000 रुपये जू के तू वही बी को उसने दे दिए, ये दे दिए 9,000 रुपये। अब 9,000 रुपये पर ही उसका लाभ हमें ज्ञात करना है,
कैसे ज्ञात करना, 5% की दर पर लाया था, 7% की दर पर दिया, तो एक साल में उसे 2% का लाभ हुआ, और टोटल समय 3 साल तक दिया है, एक साल में 2% का लाभ है तो 3 साल में 6% हो जाएगा। देखिए 2% का लाभ एक साल का, तो 3 साल का हो गया 6% लाभ, तो 9000 का 6% लाभ निकालेंगे, परसेंट से 2010 ये लगेगी, 6 × 54 540 रुपये, तो उसको होने वाला लाभ था 540 रुपये। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका, नंबर 8 बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, और इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान और बिल्कुल इजी तरीके से कराया जाएगा। देखिए एक आयत की लंबाई, ये यहाँ पर एक छोटा सा आयत बनाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है, यहाँ पर एक वृत्त की त्रिज्या बनाएंगे, त्रिज्या 5, आयत की लंबाई 2, यहाँ पर ये दोनों रेशो में है। वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है, देखिए यह वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा के बराबर है, ये वर्ग है इसकी भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल है 4900। तो देखिए यहाँ पर 4900 वर्ग का क्षेत्रफल है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा का वर्ग है, भुजा का वर्ग यानी कि 70 का वर्ग है, वर्ग से वर्ग कटेगा तो 70 जो है इसकी भुजा के बराबर, यानी कि जो ये 70 आया है ये इसके 5 रेशो के बराबर है, इसकी भुजा रेशो में जो 5 है इसके बराबर है ये, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 14, 14×5=70, एक रेशो की वैल्यू 14। अब यहाँ पर 2 रेशो है तो गुणा करेंगे, 14 × 14 = 28 मीटर, 28 मीटर इसकी लंबाई है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है, आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पर हम क्षेत्रफल हो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हो गई हमारी 28, चौड़ाई हो गई 20, 28 × 56 और ये गया 0, 560 मीटर स्क्वायर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, 5.75 + 5/7 28 − 4.5, यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपके लिए, सरलीकरण का क्वेश्चन है, 3/4 हो 15.8 − 3.4 + 5 × 2.39, ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए, इसको सोल्व करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम का को गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे, 7×6 = 28, 4×5 = 20, 5×25.75, तो 25.75 में से घटाएंगे 4.5, 21.25 बचेगा, तो ऊपर की जो कंडीशन बचती है वो 21.25 है। अब हम नीचे की कंडीशन सोल्व करेंगे, 15.8 में से 3.4, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 × 4 = 4 और 0.15 × 3 = 12 × 3/4 जमा, दोनों की गुणा करेंगे, 5 × 9 = 45, 4×5 = 15 और 4×19 एक हासिल, 5×10 = 11। अब इसको हल करेंगे, 4×3 = 12, 4×1 = 4, 3×3.339 दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ लीजिए, 5×0 = 5, 9×3 = 12 12×9 = 21 हासिल भी जोड़ा मैंने, तो नीचे की संख्याओं का भी 21.25 आता है, ऊपर का भी 21.25 आता है, तो लिख लेंगे 21.25 ऊपर का और बटे में नीचे वाली संख्याओं का 21.25, तो इससे मैंने इसको काटा, 1 आ गया और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 1, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीनी की कीमत में प्रति किलो 25% की कमी होने के कारण राधा 1200 रुपये में 10 किलो चीनी अधिक लाती है। देखिए 1200 रुपये में 10 किलो चीनी अधिक लाती है, कब लाती है, जब 25% की कमी हो जाती है, तो 1200 का 25%
यहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा कितने रुपए की कमी आती है, तो उस कमी में हमें 10 किलो चीनी अधिक मिलती है। कितने किलो चीनी, यदि मैं 10 से इसे भाग दूंगा, 1 किलो चीनी का रेट अब का आ जाएगा यहाँ पर, अब का नया रेट। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है चीनी का पुराना मूल्य यानी पहले वाली कीमत बताओ। तो देखिए 25% की कमी होती है, तो अब वह 75% में खरीद रहा है, तो यहाँ से हमारा पहले वाला रेट आ जाएगा 25 × 75, 0 × 0 = 3 × 12 = 40 बार। तो पहले वाला रेट था 40 रुपये किलो चीनी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन बी, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बेस्ट, और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और ये दिल्ली पुलिस एग्जाम में आ चुके, तो इसी तरह से आपके नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का सिलेबस भी इसी प्रकार से होगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप सीखते हैं तो इसी तरीके से आपको दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन सोल्व करने को देखने को मिलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाए, देखिए 10% की वृद्धि के लिए +10, और उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, देखिए उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो वृत्त की त्रिज्या है, इसको दो बार लिख लेंगे +10, और प्लस दोनों की गुणा करेंगे 10 × 100/100%। ये सक्सेसिव मेथड हो गया, ये आपका इस मेथड से आप इसको हल कर सकते हैं। 100 से मैंने 100 काटा एक बार, 10 × 10 = 20 = 21, 21% उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। एक तरीका यह है आपका, दूसरा तरीका आप एक और कर सकते हैं, एक और मेथड, अगर वृत्त का क्षेत्रफल 100 है, उसके त्रिज्या में 10% 110/100, दो बार लिखेंगे 110/100 ऐसे, तो 2 × 0 = 2 0, 2 × 0 = 2 0, 11 × 11 = 121। तो हम देखेंगे क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, 100 से 121 हो गया, तो 21% की वृद्धि हुई है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है ऑप्शन डी 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सुपर क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्यांकित करता है, क्रय मूल्य 100 से 20% अधिक मूल्यांकित करता है 120। वह उनमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है, देखिए इनका 3/4 वस्तुओं को बेच देता है, 4 × 12 = 30 × 90 में बेच देता है, ये रहा। और शेष को देखिए, शेष को 120 का शेष रहेगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1/4 को 30 की छूट देकर, 30 की छूट है 70% में बेचेगा, परसेंट से मैंने 2 0 काटा और 4 × 12 = 3 × 7 = 21 में बेचता है। तो देखिए टोटल कितना में बेचा, 90 और 21, 111 में बेचता है वह, तो 100 से कितना अधिक है यहाँ पर 11, तो 11% का उसको लाभ होता है, तो यहाँ पर लाभ परसेंट आ गया है 11, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, 11% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 13, एन संख्याओं का औसत 36 है, यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, देखिए 75% संख्या बोलेंगे 3/4 और औसत कितना है 36 में 5 जोड़ा जाए, देखिए पिछले औसत में ही जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है। तो देखिए 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, तो संख्याओं में न जोड़कर औसत में ही जोड़ा जाता है, ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। प्लस और का मतलब प्लस, और शेष संख्याओं में शेष कितना हो गया, 75 यहाँ है तो 25% रह गया, उसको 1/4 लिखेंगे, शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी जाए तो औसत में ही कमी कर दी जाएगी, 36 - 8, तो नया औसत बताए, देखिए यहाँ से नया औसत हमें ज्ञात होगा। तो चलिए करते हैं इसको हल, बहुत ईजी बहुत आसान।
इसमें हो गया 28, 28 को 4 से भाग करेंगे 7 बार कटेगा, ये हो गया 41, 3 और 41 की गुणा करेंगे, देखिए 3 और 41 की गुणा करेंगे, 3 3 चौक 12 123 बटे 4 जमा 7। अब इसको हल करेंगे, 4 3 12 30 बार, 10.4 27 4 5 20 ऐसे काटेंगे, 30.75 बार, 30 में 7 जोड़ेंगे 37.75, ये हमारा आंसर आ चुका है। और यहाँ से हमें मालूम हो गया कि नया औसत हो गया 37.75, तो नया औसत हो गया 37.75 ऑप्शन बी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर एक धन एक वर्ष बाद इतने रुपए हो जाता है, उसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो देखिए अर्धवार्षिक 8% अर्धवार्षिक है, सॉरी 8% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक हो जाएगी 4% हाफ ईयरली, और एक साल में 2 हाफ ईयरली हो जाएगी, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर बनेगी 4 के अकॉर्डिंग 4 का वर्ग 16, दो अंक छोड़कर दशमलव, 4 दुनी 8, 8.16% ब्याज दर बनती है, और यह एक वर्ष बाद इतनी हो जाती है। तो मिस धन बराबर मिस धन लिखेंगे, 20 28 0, ये मिस धन हो गया। अब इसे 100 में जोड़कर लिखेंगे, 108.16% मिस धन से मिस धन काटेंगे, तो यहाँ से हमें मूलधन प्राप्त होगा। अब मूलधन पर उसी धन पर हम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे, जबकि 1 वर्ष की ब्याज दर है 8%, तो 2 वर्ष की हो जाएगी 8 का वर्ग 64 और 8 दूनी 16, 16.64 बैठता है, तो यहाँ पर 16.64% निकालेंगे। अब इसको हम आसानी से हल करेंगे, देखिए परसेंट से परसेंट, दशमलव से दशमलव हटाया मैंने, अब इसको मैं काट सकता हूँ 8 से, देखिए 8 से काटेंगे इसको, आठ एकम 8 2, देखिए 4 से भी कट सकता है, लेकिन 8 से भी काट सकते हैं, या हम 16 से काटेंगे, छोड़ो 16 से काटो, 16 छिकम 96, 12 बच गया होगा 121, ये वाला उतारेंगे, 16 7 112, 9 बचेगा, 16 6 96। अब 16 से इधर काटेंगे, 16 1 16, यहाँ पर 16 7 112 होता है, ये 16 6 96, 16 7 112, ये हो गया 676 बार, इसको ध्यान से काटो, 676 बार कटता है। अब 16 1 16 0, 16 4 64, अब देखिए 676 से ये 30 बार कटेगा, पूरा 30 बार कटेगा। अब 30 × 104 की गुणा करेंगे, 0 3 4 12 और 80 1 10 3 31, 3120 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका 3120। क्वेश्चन नंबर 15, आज का मॉक टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त टैलेंट से आपको कराया जाएगा। एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे वही दूरी तय करने में 2 घंटे का समय कम लगता, तो रेलगाड़ी की आरंभिक चाल बताएं। तो देखिए बहुत ही आसान, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी है 400 किलोमीटर और बटे में समय 2 घंटे का कम लगा, कब लगा समय ये कम, जब उसने 10 की चाल बढ़ाई, देखिए ये है तरीका। अब यहाँ पर 10 के अंतर वाले 2 फैक्टर करेंगे, क्योंकि 10 की चाल बढ़ाई, जो पहली चाल थी उसमें 10 की चाल बढ़ाते ही नई चाल होगी, तो नई और पुरानी चाल में 10 का अंतर है, तो यहाँ पर फैक्टर करेंगे, 2 से इसको काटेंगे 200 बार, तो 200 × 10 हो गए 2000, तो 2000 के इसे 2 फैक्टर करेंगे जिसमें 10 का अंतर हो, तो आप कर सकते हैं 40 × 5 200 और 1 0, यानी कि 40 और 50,
40 बाय 50 की गुणा करेंगे तो 2000 हो जाता है। अब यहाँ दोनों चालों में 10 का अंतर भी बन रहा है। देखिए अगर उसकी चाल पहले थी 40, फिर उसने 10 की चाल बढ़ा दी, हो गई अब 50, तो पहले वाली चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ऑप्शन डी।